असम के चर्चित जोगदल हत्याकांड का फिर होगी जांच। गुवाहाटी 12 दिसंबर आज गुवाहाटी के दिसपुर प्रेस क्लब में असम के चर्चित जोगदल हत्याकांड के ऊपर लिखी गई जोगदल हत्याकांड नामक एक किताब रिलीज किया गया है। सन 2009 से आज से लगभग 8 साल पुरानी एक वारदात, इस हत्याकांड में एक ही परिवार के 6 सदस्य का निर्मम हत्या की गई थी। गुवाहाटी के बाद सोनपुर के जोगदल नाम के इलाके में आज से 8 साल पहले घटी इस घटना में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हरकांडोलई नाम के एक गरीब परिवार को रात के अंधेरे में हमेशा के लिए सुला दिया गया। इस हत्याकांड में उस समय की कांग्रेस मंत्री श्री ओपन बरोहा के हाथ होने का संदेह भी लगता था। सारे संवाद माध्यमों से ये समाचार व्यापक चर्चा में रहे। जमीन से जुड़ी इस हत्याकांड में उस समय के कांग्रेसी नेता के इशारे में इस केस को ढील दिया गया। इस पर ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक सोनपुर पुलिस चौकी के अधिकारी प्रणव कुमार डेका के इशारे में भी इस निर्मम हत्याकांड के बाद सबूतों को मिटाने और हरकांडोलाई के घर को जलाने का भी आरोप लगाया गया था। आज 8 साल बाद भी इस हत्याकांड से पर्दा नहीं उठ पाया है। इस किताब के लेखक श्री दुलाल बोरा ने इस किताब के जरिए जोगदल हत्याकांड से जुड़ी कोई सच्चाई सामने लाने की प्रयास की है। गौर करने वाली बात यह है कि लेखक दुलाल बोरा और अभियुक्त प्रवक्ता कांग्रेसी मंत्री ओपन बोरा का एक समय बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं। लेखक का ये उद्देश्य है कि मृतक को इंसाफ मिल सके। आज इस किताब रिलीज कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग मौजूद थे। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যেটা অভিয়ন্ত যাত্রা আর এই যাত্রা এগারী কান্দারি অজিত কুমার ইয়ালে বলে যদি কথা কল পরবর্তী পর্যায়ত আমি খুব সজাগ আর সচেতন হয়ে পড়ছি, কারণ এতিয়াও তাক অন্য ধরনের অন্য পথে দিয়ে যাওয়ার একটা। গুয়াহাটি সংবাদদাতা হালিমা বেগম কি রিপোর্ট।